हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुनेजा वर्ल्ड। आज मुझे आपको लेंट रिमूवर के बारे में बताना है। एक्चुअली ये हम लोग ने रिसेंटली परचेज किया है। पहले तो मेरे को पता ही नहीं था लेंट क्या होता है फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि मतलब अपने कपड़ों में जब रोएं निकल जाते हैं तो उसके लिए मीन्स अगर कुछ आता है कि मतलब उसको क्लीन करने के लिए, तो पता चला उसको लेंट रिमूवर बोलते हैं। तो मैंने अमेज़ॉन से ये प्रोडक्ट मंगाया है और आप जैसा देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रिक पे चलने वाला प्रोडक्ट है और मतलब बहुत एफिशिएंट है। लाइक मीन्स अभी तक हम लोग ने तीन चार कुर्ते जिसमें काफ़ी रोएं निकल गए थे उसको यूज़ किया है और एकदम वो एज अ न्यू जैसा हो गया। अभी देखिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। तो ये देखिए इसमें इसके अंदर ये जो आपका जो लेंथ रिमूव होता है वो इसमें जमा होता है और तो जैसा आप देख सकते हैं ये बहुत इजीली फिट हो जाता है। करना और निकालना बहुत इजीली है, मीन्स इट्स वेरी इजी टू क्लीन। और ये देखिए बटन दिया है, इसको ऑन करेंगे आप तो इलेक्ट्रिक पे चलता है ये और इसको बस जेंटली जस्ट आपको उसके ऊपर घुमाना है और इजीली रिमूव हो जाएगा। ये आपको आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। इसके मैनुअल के हिसाब से अगर मतलब आप कपड़ा अगर आप पहने हुए हैं तो आप नहीं करना चाहिए आपको, तो आप है ना जस्ट मतलब आप कहीं भी सोफे पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए और इजीली कर लीजिए। इसमें मतलब ज़रा भी ताकत नहीं लगती, जस्ट आपको जेंटली रिमूव करना है और रिजल्ट्स तो आप देख ही सकते हैं। देखिए कितना जल्दी कितना ज़्यादा रोएं निकले हुए थे मेरे बच्चे के कपड़े में और देखिए कितनी जल्दी कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ये मतलब इसमें बटन दिया हुआ है तो प्रॉबेबली आप बटन चालू बंद करके यूज़ करिए। हो सकता है अगर कंटिन्यूसली चालू रहे तो मशीन ज़्यादा गर्म हो जाए। ये देखिए मेरा देखिए मैं जो कपड़ा को कर रहा हूँ उसमें बहुत काफ़ी रोए निकले हैं। पता नहीं क्यों आजकल वॉशिंग मशीन की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट मेरे को मिला है इसमें आप देख सकते हैं। देखिए इसका रेसिड्यू जो आपने लिंट रिमूव किया है वो यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है, तो आप बहुत इजीली आप उसको निकाल के आप उसको वो कर सकते हैं। और इसमें अंदर भी पैकिंग दिया हुआ है तो वो मतलब आपका रूम भी आपका गंदा नहीं होगा। आप बहुत इजीली उसको निकाल के एक है ना जैसा आपका धागे का गोला बन जाता है और वो गोला आप निकाल के ईज़िली आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं। इसके साथ में एक ये छोटा सा ब्रश भी आया है जिसको आप इजीली आप उसको यूज़ करके इसको क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो आप देखेंगे तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा मतलब नीचे ही जमा हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं क्लीन करके आपको बता रहा हूँ, लेकिन एनीवे मतलब क्लीनिंग का इतना आपको नेसेसरी नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया तो मतलब थोड़ा बंद चालू करते रहिए और जेंटली बहुत जेंटली मतलब ज़रा भी प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत इजीली। प्रॉबेबली इसके अंदर कुछ ब्लेड है तो ब्लेड से आपका लेंथ कटता रहता है और आपके कपड़े को ख़राब नहीं करता है, लेकिन मतलब आपका कपड़ा एकदम नए जैसा हो जाता है। और आप देख सकते हैं पहले कितने रोए थे और अभी देखिए कैसा एकदम क्लीन एकदम चमक रहा है, मतलब मीन्स एकदम नया जैसा लग रहा है और बहुत इजीली है। मतलब हम लोग ने प्रेशर भी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्लोली कर रहे हैं तो मीन्स आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। और मीन्स ओल्ड कपड़ा भी हो गया तो भी उसको भी नए जैसा कर सकते हैं, मीन्स एकदम देखिए एकदम शाइन जैसा हो गया कपड़ा। सबसे अच्छा चीज़ है कि मीन्स इसका प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइक मीन्स हम लोग ने ये जो लिया है तो ये प्रॉबेबली हम लोग को 500 तक आ गया है, तो मीन्स ये प्रोडक्ट भी बहुत मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि मीन्स 1000 के रेंज में, तो अलग अलग रेंज में आता होगा, लेकिन मीन्स हम लोग ने जो ये लिया है अराउंड 500 का है तो मीन्स इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं मीन्स एक बार लेंगे। और इसका लाइफ कैसा है वो तो मैं मे बी नेक्स्ट वीडियो अगर बनाऊंगा इसके बारे में तो आपको उसके लाइफ के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी तो फ़िलहाल आज ही हम लोग ने इसका अनबॉक्सिंग किया है तो लाइफ का उतना पता नहीं कि कितना चलेगा, क्या है कैसा है, लेकिन देन अगेन मतलब रिजल्ट्स तो ऑसम है। तो आप ज़रूर मीन्स अगर आप भी अगर ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको प्रोडक्ट का मतलब डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा अपने लिंक पे। और
आप है ना ज़रूर ले सकते हैं उनको। आपको बस अमेज़ॉन में जाके लिंट रिमूवर टाइप करना है, और मैंने जब टाइप किया था तो उसमें आप मेरे को काफ़ी सारे ब्रश भी दिखाए थे, लेकिन ब्रश आई गेस मे बी ब्रश आपको मतलब थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ये जो है इलेक्ट्रिक बेस है तो इसमें थोड़ा इजीली हो रहा है। तो इस तरह से ये रूओं का गोला निकलता है और जो है कपड़ा साफ़ हो जाता है, और ये पूरी तरह से ये हमारे हाथ में आ जाता है। और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये पूरी हर जगह ये उड़ने की बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसके अंदर एक स्टोरेज दिया हुआ है, सारा गंदगी इसमें ये वैक्यूम कर लेता है। तो बस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अलविदा।